प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जो भी पीडी में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज से हम हरियाणा पुलिस के लिए गणित विषय की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो क्लास है वो होगी प्रतिशत। तो प्यारे दोस्तों प्रतिशत का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरे गणित विषय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो प्रतिशत ही है। तो इस प्रतिशत को मैंने क्या किया, आपको समझाने के लिए सरल भाषा में और पूरे टॉपिक को क्या है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया है। तो आज अपन प्रतिशत को उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है प्रतिशत, वो प्यारे दोस्तों आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यह जो प्रतिशत दे रखा है इसका मैं भावार्थ बता देता हूँ। प्रतिशत ये दो शब्दों से मिलकर बनाए, एक शब्द है प्रति और दूसरा हो गया सत। तो दोस्तों जैसे आपको नाम से स्पष्ट पता लग रहा है प्रतिशत यानी दो शब्द हो गए प्रति प्लस सत। अब देखो प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक या हर यानी हरेक, यानी प्रत्येक हर या हरेक। इसी प्रकार जो सत है इसका मतलब क्या होता है सो, सत का मतलब क्या होता है सो या सैकड़ा, जिसको अपन सैकड़ा ही बोलते हैं या सो बोलते हैं या शतक बोल दो, एक ही बात है। तो इस प्रकार से इन दोनों शब्दों को अपन जोड़ के अगर एक साथ मिला के पढ़ेंगे ना, एक साथ समझेंगे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रति सो में से, प्रति सो में से या हरेक, हरेक सो में से, एक ही बात है, किसी प्रकार से लिख सकते हैं अपन। समझ में आ गया, कहने का मतलब है अपन सो को इसमें क्या है आधार मानेंगे, कोई भी गणना करेंगे उसमें अपन आधार किसको मानेंगे सो को। सो को आधार मानने से या सो के ऊपर गणना करने से अपने को जो मान प्राप्त होगा वो मान क्या है प्रतिशत में आएगा। प्रतिशत को अपन इस प्रकार से लिखते हैं, यह क्या है प्रतिशत का प्रतीक या संकेत या चिन्ह बोल दो, एक ही बात है। जैसे मैंने आपको यहां लिख दिया कि 100 में से 35, 100 में से 35, तो इसका अर्थ क्या हुआ, नीचे अपन 100 लिखे यानी कुल भाग अपने पास कितना है 100 है, यानी आधार अपने पास कितना है 100 है, या जो भिन्न जिसका हर क्या हो 100 हो, ऊपर यानी अंश का जो मान है वही मान प्रतिशत अपने को प्रकट करता है। जैसे 100 में से 35 है, इसको अपने इस प्रकार से लिखेंगे 35/100। अब ये जो 35 है ना ये प्रतिशत है, ये क्या है प्रतिशत। जैसे एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, अपन गणना 100 से मान के क्यों करते हैं, किस प्रकार वो जो मान है उसका अपन 100 से गणना करेंगे तो वो मान प्रतिशत में आएगा। जैसे देखो आप एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे मान लो राम के पास 5,000 रुपये थे, कितने रुपए थे 5,000। अब ये 5,000 रुपये में से 2,000 रुपये श्याम को देता है, किसको देता है श्याम को। अब देखो यहां अपने वो देखने से पता लग रहा है उसके पास 5,000 रुपये थे, अब 2,000 रुपये दे दिए। अब अपने ये पता नहीं है अभी उसने 5,000 का कितना प्रतिशत दिया है, तो उस प्रतिशत के लिए अपन क्या करेंगे आधार 100 लेंगे, यानी गणना किससे करेंगे 100 से करेंगे। 100 से गणना करने पर जो मान आएगा वो प्रतिशत में आएगा। अब देखो इस प्रकार से करेंगे, जैसे मान लो राम के पास कितने रुपए थे 5,000, 5,000 में से उसने 2,000 रुपये दे दिए, तो 1 रुपये में से कितना देगा बट्टा में 5,000, अगर अपन 100 माने तो कितना देगा, तो गुणा कर दिया 100 से। अब देखो 3 शून्य से 3 शून्य कट गए, 1 5 5 2 5 10 और ये 0, 20 को 2 से गुणा किया कितने आए 40। अब ये जो मान आया ये किस में आया प्रतिशत में आया, यही प्रतिशत है। समझ में आ गया। अब देखो इसको अपन दो भाषा में बोल सकते हैं, पहला तो यह है कि उसने 5,000 में से 2,000 रुपये श्याम दिए, या अपन इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं 5,000 का उसने 40% श्याम को दिया। कहने का मतलब 100 को आधार मानकर किसी तथ्य को प्रकट करने से जो मान प्राप्त होता है वही मान क्या कहलाता है प्रतिशत कहलाता है। इस प्रकार से यह प्रतिशत का सिंपल भावार्थ है। इस प्रतिशत को मैंने 15 पार्टों में विभाजित किया है, इसके कितने भाग बनाए 15 भाग बनाए, एकदम छोटे छोटे ताकि आपको समझने में आसानी हो, कंफ्यूज नहीं हो। तो सबसे जो पहला पार्ट है आज अपन उसको पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट।
सबसे पहला पार्ट है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न संख्याओं, भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। तो प्यारे दोस्तों, प्रतिशत में आप दो बातों का विशेष रूप से ख्याल रखोगे। पहली बात तो है, अगर कोई भी संख्या है उसको प्रतिशत में बदलने में क्या करेंगे, यानी प्रतिशत में अपने को बदलना है तो बदलने लिए अपन क्या करेंगे, उस संख्या को 100 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहली बात क्या होगी, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना तो उस संख्या को अपन 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। अच्छा, इसी में दूसरा, अगर अपने को प्रतिशत हटाना है यानी सामान्य संख्या में लाना है तो उसमें अपन क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। ये दो चीजें आप विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी। अब देखो, पहला टाइप है भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। भिन्न संख्याएं कौन सी होती हैं, जो बट्टों में होती हैं, इस प्रकार की संख्याएं, वो संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न संख्याएं होती हैं। समझ में आ रहा है, जो संख्या बट्टों में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या। अब जैसे मान लो ये संख्या 1/5 है, इसको अपन प्रतिशत में बदलेंगे क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो, 1 50 50 2 50 10 और 0, तो मान कितना आ गया, 20। अब ये प्रतिशत में आ गया। अब इसी प्रकार जैसे मान लो ये 3/25 है, इसको अपन किस में प्रतिशत में बदलेंगे, तो 3/25 को क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 25 चौका कितने होते हैं, 100, 4 3 कितने हो गए, 12। ये जो मान आया वो किस में आ गया, प्रतिशत में आ गया। अब देखो, अगर इसके विपरीत करें अपन, भाई अपने पास मान लो प्रतिशत की संख्या दी गई है, उसको वापिस अपने को इस प्रकार से भिन्न में या साधारण संख्या में बदलना हो, तब अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो यही सवाल ले लिया मैंने वापिस कि भाई 20% है, इसको अपने को साधारण भिन्न में या साधारण संख्या में बदलना है, तो प्रतिशत हटाना, बदलना मतलब क्या, प्रतिशत हटाना है, तो हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है प्रतिशत की उसमें 100 का भाग दे देंगे। अब इसमें क्या 20% है, तो 20% हटाया, इसका मतलब 100 से डिवाइड कर दिया यानी भाग दे दिया। अब देखो, 1 0 से 1 0 कट गए, 1 2 2 5 2 10, तो मान कितना आ गया, 1/5। अब ये वापिस भिन्न संख्या आ गई। इसी प्रकार जैसे मान लो आपके पास ये है 45%, इसको अपन किस में साधारण संख्या में या भिन्न में बदलेंगे, तो 45% हटाया, इसका मतलब बट्टा में कितना कर दिया, 100। अब मान जो भी आएगा वो किस में आएगा, भिन्न में आएगा। अब जैसे मान लो आपके पास ये है 6 1/4%, ये संख्या आ गई। अब इसमें प्रतिशत दिया हुआ, इसका मतलब ये प्रतिशत संख्या है। अब अपन इसको साधारण संख्या में या भिन्न संख्या में बदलेंगे, तो सबसे पहले इसको अपन हल करेंगे। समझ में आ रही है ना, 6 4 कितने हो गए, 24 24 और 1 कितने हो गए, 25 बट्टा में 4। अब अपन प्रतिशत हटा रहे हैं तो 100 का भाग दे देंगे। अब देखो, 25 25 25 चौका कितने हो गए, 100, यानी मान कितना आ गया, 1/4 4 चौके 16। इस प्रकार से आपको करना, कहने का मतलब प्रतिशत अपने को हटाना है तब अपन क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। प्रतिशत अगर लगाना है यानी प्रतिशत में मान निकालना है तो उस संख्या को अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपके पास जैसे दशमलव संख्या हो, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या को अपन प्रतिशत में किस प्रकार से बदलेंगे, जैसे मान लो दशमलव संख्या कौन सी होती है, जिस संख्या में दशमलव दिया गया हो यानी दशमलव का चिन्ह हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या। जैसे आपके पास यह संख्या है 3 4 8 6, दशमलव के बाद की जो संख्या है ना, उसको अपने एक एक करके पढ़ते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो संख्या पूर्णांक में नहीं होती। अब ये जो संख्या ये 34 है, इसको अपने एक साथ पढ़ लेंगे, लेकिन पूरी संख्या किस प्रकार पढ़ेंगे, 34.86, इस प्रकार से पढ़ेंगे। इस संख्या को अपने किस में प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने लिए अपन क्या करते हैं, जो भी संख्या दी गई उसको अपन 100 से गुणा करते हैं, कर दिया 100 से गुणा। अब देखो, ये 100 से गुणा करते हैं ना, ये प्रक्रिया अपने को डायरेक्ट करनी है। इसमें आप एक बात ध्यान रखो,
सौ में एक रेख दो शून्य, एक रेख दो शून्य, तो ये जो दशमलव है ये दो अंक इसको दाहिनी ओर खिसका दो, तो दाहिनी ओर खिसकाने से ये दशमलव यहाँ चला जाएगा। यहाँ जाने मतलब इसके आगे कोई अंक नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये दशमलव हट गया। प्रतिशत कितना आ गया, 3436 प्रतिशत आ गया। कहने का मतलब है दशमलव संख्या को अपन प्रतिशत में बदलेंगे ना, तो जो दशमलव दिया गया उसको दो अंक इस साइड में यानी दाहिनी ओर खिसका देंगे, वो जो मान आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। अब जैसे मान लो ये संख्या आपके पास 0.45, इसको अपन प्रतिशत में बदलेंगे, तो 0.45 है जिसको प्रतिशत में बदलेंगे क्या करेंगे, 0.2 अंक दाहिनी ओर खिसका देंगे, सीधा मान आ गया फटाफट 45। कुछ नहीं करना अपने को, सिर्फ दो अंक दशमलव है वही दाहिनी ओर खिसका है। अच्छा जैसे मान लो ये संख्या हो 0.4, अब इसमें एक ही अंक अपने पास, अपने को क्या करना है 0.2 अंक इस साइड में खिसकाना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे, तो 4 जीरो यानी 40% आ गया। इस प्रकार से करना है। अब देखो जैसे मान लो ये 40% है, अब इसको अपन वापिस इस रूप में बदलेंगे, अब इसमें प्रतिशत दिया हुआ इसका मतलब प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे अपन क्या करेंगे 100 का भाग देंगे। अब देखो एक शून्य से एक शून्य कट गया, अब 10 में एक जीरो यानी एक अंक छोड़ के 10 में लगा दो, तो मान वही आ गया 0.4, यानी वही दशमलव संख्या आ गई, समझ में आ गया ना। इस प्रकार से अगर दशमलव की संख्या उसको अपन प्रतिशत बदलेंगे तब क्या करेंगे, दशमलव को दो अंक दाहिनी ओर खिसका देंगे। तो ये आपका पहला टाइप हो गया, यानी किस प्रकार से भिन्न संख्या उसको प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत संख्या दी गई उसको भिन्न में बदलना, या फिर दशमलव संख्या दी गई उसको प्रतिशत में बदलना। इस प्रकार से यह अपना पहला टाइप हो गया। इसी में अपन पढ़ते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप आपके पास किसी संख्या का, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, प्रतिशत निकालना, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। अब देखो आप इसको समझो, एकदम सीजी है। जैसे मान लो आपको दे दिया 430 का 20% निकालो, समझ में आ गया ना, एक संख्या दे दी और उसका प्रतिशत निकालना है, यही अपना दूसरा टाइप है, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। कोई संख्या दे दी एक्स वाई जेड, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा है 430 का 20%, इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, एकदम सीधा फार्मूला है। देखो 430 का मतलब होता है गुणा, प्रतिशत में का मतलब क्या होता है गुणा, 20% हटाया नीचे क्या कर दिया 100। अब देखो एक शून्य से एक शून्य कट गया, फिर एक शून्य से एक शून्य कट गया, 43 को 2 से करेंगे कितना आ गया 86। अब ये मान कितना आ गया 86, यानी कोई भी संख्या का प्रतिशत निकालेंगे तो उसको अपने इस प्रकार से निकालेंगे। अब जैसे इसमें संख्या सीधी भी दी होती है या दशमलव संख्या भी दे दी, कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लो ये आ गया आपके पास है 380 का 10% निकालो, 380 का 10% निकालो, तो इसको अपन इसी प्रकार निकालेंगे, 380 का मतलब गुणा 10% का मतलब क्या आ गया बट्टा में 100। अब देखो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, मान कितना आ गया 38 आ गया। अब देखो ये जो 10% है ना, इसमें आप एक बात और ध्यान दो, या 10% का मतलब ये होता है भी कोई भी संख्या दी गई हो अगर उसका 10% निकालना हो तो सीधा क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। जैसे मान लो ये संख्या है 4, 3, 5, 8, अब आपको बोल दिया जाए इसका 10% निकालो, तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हो। जैसे 10 में क्या है एक शून्य है, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, इसका मान कितना आ जाएगा 435.8 आ जाएगा। इस प्रकार से भी ये सीधा है, कोई भी संख्या 10% निकालेंगे उसके लिए क्या नियम है कि पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, उसका 10% आ जाएगा, या फिर अपने इस प्रकार से निकाल लेंगे, बात एक ही है, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो अपने इस प्रकार से निकालेंगे। अब जैसे मान लो दशमलव की संख्या है ये 4.38 का 10% निकालो, ये आ गया। अब ये संख्या कौन सी दे रखी है 4.38, इसका 10% निकालेंगे, तो मैंने अभी बताया 10% का सीधा फार्मूला क्या है,
एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। अब यहां देखो पहले से दशमलव दिया गया है, तो पहले से दशमलव दिया गया है तो उसमें अपन क्या करेंगे, दशमलव को एक अंक इधर और खिसका देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 438 आ जाएगा। अब देखो इसका मान 438 कैसे आया, ये इस फॉर्मूले से मैं आपको निकाल के बताता हूं। जैसे यह 4.38 गुणा 10 से प्रतिशत का मतलब बट्टा में क्या लगा दिया, 100। अब देखो एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब अपन क्या करते हैं, इस प्रकार सोलह हल करते हैं। सबसे पहले अपन दशमलव हटाते हैं। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, एक रे दो अंक, दो अंक हटाने का मतलब नीचे दो शून्य यानी 100 और लगा देंगे। अब देखो 100 और 10 को गुणा करें कितने हो गए, 1000 हो गए। तो ऊपर कितने बचे, 438, नीचे कितने बचे, 1000। अब 1000 में देखो एक दो तीन, तीन शून्य, इसका मतलब एक दो तीन, तीन अंक छोड़ के दशमलव लगा दो तो वही मान आ गया। समझ में आ गया ना, क्या मान आ गया, वही मान आ गया जो यहाँ आया था, जो अपने डायरेक्ट किया था। समझ में आ गया ना, तो 10% अगर आपको कोई संख्या निकालना हो तो डायरेक्ट एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, 10% का मान आ जाए। तो ये अपना दूसरा टाइप है भी, किसी संख्या प्रतिशत अपने को इस प्रकार से निकालना है। तो प्यारे दोस्तों अब देखो टाइप नंबर तीन, टाइप नंबर तीन है एक संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या का, एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, यह है टाइप नंबर तीन। एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो इसके मैं आपको दो चार उदाहरण बताता हूं, उससे आपको स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लो आपके पास ये पहला उदाहरण है, 500 रुपये, 500 रुपये, 2500 रुपये, 500 रुपये, 2500 रुपये का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार के सवाल है इसमें। यह अपना टाइप नंबर है तीन, 500 रुपये, 2500 रुपये का कितना प्रतिशत है। अब देखो इस टाइप को अपन किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बता देता हूं एकदम से, अगर वो समझ में आ जाए तो सबसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 500 रुपये, 2500 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं, माना 2500 का x प्रतिशत बराबर 500 है। समझ में आ गया ना, 500 रुपये, 2500 का कितना प्रतिशत है, मान लेते हैं 2500 का x प्रतिशत कितना है, 500 है। तो अब अपन इसको किस प्रकार से हल करेंगे, देखो 2500 का मतलब क्या होता है, गुणा x प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, बट्टा में 100 बराबर कितना दे रखा है, 500। अब देखो 2500 को x से गुणा करेंगे, 2500x आएगा, 2500 को x से गुणा किया कितना आ गया, 2500x। अब 100 को 500 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 5 को 1 से किया 5, 2 2 4 शून्य लगा दिया, सीधा गुणा हो गया। अब मान अपने को किसका निकालना है, x का, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसके नीचे ये संख्या आ जाएगी, तो ये कितना है, 50000 बट्टा में 2500। अब देखो इसमें 1 2 से 2 कट गए, 25 का 25, 25 दूनी 50 और ये 0, यानी मान कितना आ गया, 20% आ गया, मान कितना आ गया, 20%। इस प्रकार से अपन निकालते, या फिर देखो दो दूसरा फॉर्मूला है वो एकदम डायरेक्ट है, जिस संख्या के साथ का हो, जिस संख्या के साथ क्या हो, का शब्द जुड़ा हो, ये का इस संख्या से पहले भी आ सकता है या इस संख्या के बाद में भी आ सकता है। तो अब देखो 2500 के साथ का है, तो जिस संख्या के साथ का है उसको अपन नीचे रख लेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, जिस संख्या के साथ का है उसको अपन नीचे रख लिया, बाद बाकी जो संख्या बची है उसको ऊपर डाल दो और गुणा में कर दो 100। अब देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 25 का 25, 25 चौका 100, 4 को 5 से किया कितने आ गए, 5 चौके 20, मान वही आ गया 20 और वही मान यहाँ पर आया था, इस फॉर्मूले से आया था, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो एक उदाहरण और समझो, जैसे मान लो ये आ जाए 273 364 का, 273 364 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, यही फॉर्मूला है, यही टाइप है। तो देखो इसको अपन इसी से कर लेते हैं डायरेक्ट। अब देखो 364 के साथ का दे रखा है, का किसके साथ है, 364 के साथ। तो जिस संख्या के साथ का है उसको अपन नीचे रख देंगे, 364 लगा दिया नीचे। अब उसके बाद में बाकी जो संख्या बची है उसको ऊपर रख लेंगे, 273 गुणा में क्या आ गया, 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर दिया। जिस संख्या के साथ का है, या का इस संख्या से पहले हो या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संख्या के साथ में है का, तो का वाली संख्या अपन ने नीचे रख दिया, बाकी जो शेष संख्या ऊपर गुणा में क्या कर दिया, 100। अब देखो इसको काट लेंगे, ये चार के पाड़े से कट जाएगा, 25 चौका कितने होते हैं, 100, और ये 9 चौक 36, 1 चौक 91 बार कटा है, 9 3 27, अब ये 3 बार कट जाएगा, 273 में 91 भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 25 से गुणा किया कितना आया, 25 75%। अब देखो सीधा फॉर्मूले से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे दोस्तों आज अपन ने टाइप 1, 2 और 3 इनका अध्ययन किया, 1, 2 और 3, 3 टाइप पढ़ लिए। तो मेरे को तो उम्मीद है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी से एकदम से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारे मेरे साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन का आप कमेंट के रूप में जवाब जरूर दीजिए। क्वेश्चन आपके पास, मैं यहां लिख देता हूं, 30 रुपये 150 रुपये का, 30 रुपये 150 रुपये का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, 30 रुपये 150 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।